सो दीज आर दी टू टॉप होम्योपैथिक एंटा एसिड्स इन माई क्लिनिक जिन्हें मैं अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, अपच, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट्स के लिए। दोनों ही मेडिसिंस गैस की कंप्लेंट्स में, हार्ट बर्न की कंप्लेंट में एंड डिस्कम्फर्ट में तुरंत रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरवा बोहरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 2 होम्योपैथिक एंटा एसिड टैबलेट्स इन माय क्लिनिक, जो कि गैस के लिए, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के लिए, फ्लैचुलेंस के लिए, पेट में होने वाले दर्द के लिए, कुछ हैवी खाने के बाद बदहजमी और अपच के लिए, हार्ट बर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एज अ फर्स्ट एड आप इसे ले सकते हैं एक्यूट कंप्लेन में एंड क्रॉनिक कंप्लेंट्स में, आप इसे रूटीन में ले सकते हैं। साथ में अपने फर्स्ट एड बॉक्स में आपको इसे ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज गैस और अपच की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है और घर में आए दिन कोई ना कोई इससे ज़रूर सफ़र करता है। तो मेडिसिन कौन सी है और उनकी डिटेल्स क्या है आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अगर आप इस कंप्लेंट से सफ़र करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। एंड ऑफकोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटी वाला आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पेट में गैस का बनना, गैस का एक्यूमुलेशन होना, फ्लैचुलेंस होना, अपच होना, बदहजमी होना, कभी कुछ हैवी खा लेने पर अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होना, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, हार्ट बर्न या चेस्ट बर्न होना, पेट से जुड़ी ये जो समस्याएँ हैं ये बहुत कॉमन है। एंड इसके लिए हम हमेशा एज अ सेवियर अपने पास एंटा एसिड रखते हैं कि जब भी ये प्रॉब्लम हो तो हम एक एंटा एसिड ले लें। बट फॉर लॉन्ग टर्म वो एंटा एसिड्स आपको साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं एंड उसकी फिर आपको आदत हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 होम्योपैथिक एंटा एसिड्स बता रही हूँ जो मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ एंड 100% गारंटीड रिजल्ट इससे मिलते हैं, इनके कोई नॉन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सो जो दोनों ही मेडिसिन है वो इक्वली इफेक्टिव है, कोई भी सेकेंड रैंक पे या फर्स्ट रैंक पे ऐसी नहीं है। दोनों को मैं इक्वली यूज़ करती हूँ और दोनों से ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो दी फर्स्ट वन इज़ न्यू लाइफ की एसिडोसिन टैबलेट। आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने दूसरी वीडियोस में भी इसे सजेस्ट किया है। ये एसिडिटी एंड हार्ट बर्न के लिए स्पेशली फॉर्मुलेट की है, बहुत बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे रामबाण दवा भी आप कह सकते हो। एंड मेरे हिसाब से अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये आपके घर में, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन में ये मेडिसिन इफेक्टिव है? सो एसिडिटी के लिए, इनडाइजेशन के लिए यानी कि अपच के लिए, फ्लैचुलेंस के लिए, अगर पेट में आपके गैस एक्यूमुलेट हो जाती है और रिलीज़ नहीं होती है, देन एब्डोमिनल कॉलिक के लिए, गैस की वजह से होने वाले पेट में जो दर्द होता है बहुत ट्रबलसम कंडीशन होती है, उसको ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। देन खट्टे डकार के लिए, अगर आपको फैटी रिच फूड लेने के बाद आपका गैस्ट्रिक अपसेट हो गया है तो इन सारी कंप्लेंट्स में ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। ऑल्सो अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, कुछ भी हैवी ले लिया है आपने या अपच के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा है, तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अंदर 4 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। द फर्स्ट वन इज एंटिमक्रूड, सेकेंड इज पल्सिटिला, थर्ड इज कार्बोवेज एंड फोर्थ इज रोबीनिया। जो मेडिसिन हैं ये 6 पोटेंसी में हैं और टैबलेट फॉर्म में ये मेडिसिन आती है। आपको इसे लेना कैसे है? सो ये मेडिसिन आप एक्यूट कंप्लेन में 2 गोली दिन में 3 से 4 बार लीजिए, जब तक आपको आराम नहीं मिल जाता है। वैसे 1 से 2 बार मेडिसिन लेने से आपकी जो एक्यूट कंप्लेन है वो ठीक हो जाती है, फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है और जो हैवीनेस है और जो फ्लैचुलेंस या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। बट फिर भी अगर आपका नहीं, आपको कंप्लीट रिलीफ लग रहा है, तो आप इसे दिन में 3 से 4 बार करके ऐसे 2 या 3 दिन तक ले लीजिए और उसके बाद फिर आप बंद कर दीजिए। और SOS में जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप इस एसिडोसिन को ले सकते हैं। 25 ग्राम पैकेजिंग है ये एंड इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। सेकेंड इक्वली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन विच आई प्रिस्क्राइब टू माई पेशेंट्स फॉर हाइपर एसिडिटी एंड इनडाइजेशन इज SBLK Nixoxid टैबलेट।
बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके मेन इंडिकेशंस है सोर इरेक्टेशंस यानी कि खट्टे डकार, हार्ट बर्न या चेस्ट बर्न, सीने में जलन, हैवीनेस अगर आपको फील हो रही है, अगर आपको फ्लैचुलेंस है और अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इन सारी कंप्लेन में ये बहुत इफेक्टिव है निक्सोसिड टैबलेट। इसके कॉम्पोजिशन के अगर बारे में अगर हम बात करें तो इसमें है नेट्रमफॉस, देन इट हैज़ कार्बोवेज, इसके अंदर भी है रोबीनिया और इसके अंदर है लाइकोपोडियम। इसके डोजेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप निक्सोसिड लेते हैं तो आप किस डोज में लेंगे? सो एक्यूट कंप्लेंट्स में आपको इसको 2 गोली दिन में 4 से 5 बार या फिर हर 2-3 घंटे में रिपीट करके आप ले सकते हो। बच्चों को हाफ ऑफ द एडल्ट डोजेज देना है, 1 गोली दिन में 2 से 3 बार आप दे दीजिए रिलीफ मिलने तक, और उसके साथ आप इसे घर पर रखिए एज अ SOS मेडिकेशन। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इमिडिएटली इसमें से 1 से 2 गोली निकालें और ले लें, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा और आपको कोई एंटासिड लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगी कि दोनों की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। आपको लोकल होम्योपैथिक स्टोर्स पर मेडिसिन मिल जाएगी और healthmug.com पे भी मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन कि मैं कौन सी कंडीशन में क्या देती हूँ, तो मैंने पहले ही बता दिया दोनों इक्वली इफेक्टिव है। बट यूजुअली जो क्रॉनिक केसेस होते हैं जिनमें बहुत लंबे समय से जो पेशेंट एसिडिटी वगैरह कंप्लेन करते हैं एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन का प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बताते हैं कि खाना खाते साथ पेट फूल जाता है हमारा या खाना खाने के बाद सारे ट्रबल्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को मैं ज़रूर एसिडोसिन ही प्रिस्क्राइब करती हूँ। एंड जो पेशेंट बेल्चिंग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि डकार बहुत ज़्यादा आती है और डकार लेने से या डकार लिए बिना रिलीफ नहीं मिलता है, साथ में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तो ऐसे पेशेंट्स को मैं निक्सोसिड प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो अगर आपको बहुत ऑफन ये कंप्लेन होती रहती है गैस एसिडिटी एंड हाइपर एसिडिटी की या डिस्कम्फर्ट की, तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन अपने घर पर रख सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपके काम आएगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। Love you all. Bye.